बात है, कहाँ क्या हवा में बात है। अभी बात हो रही है विपक्षी एकता की, और विपक्ष एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, विपक्षी नेताओं का जो महाजुटान होना था राजधानी पटना में 12 जून को, वो बैठक टल गई थी, लेकिन अब वो बैठक 23 जून को होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की घोषणा कर दी है, कौन कौन से नेता पटना पहुँचेंगे, इस बात पर को लेकर भी पूरी जानकारी दी है। देखिए, अब बीजेपी के खिलाफ रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। राहुल गांधी भी पटना रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पटना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, सभी लोग पटना रहे हैं, और विपक्षी नेताओं की बैठक जो है वो पटना में होनी है 23 जून को। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी वहीं मौजूद है, जरा सुनिए। आप लोगों को आमंत्रित किया गया यह बताने के लिए कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उस तिथि को कई नेता, जो माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं कई, उनको असुविधा हो रही थी उस तिथि को यहाँ आने में। इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है, और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दे दी है। और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, यह तय हो गया है, और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। यही बताने के लिए आप सबों को आमंत्रित किया गया। ये सब अलग बात है, आपकी ये अलग बात है, कहाँ क्या हवा में बात है। अभी बात हो रही है विपक्षी एकता की, और विपक्ष एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, देश में आज की तारीख में अघोषित आपातकाल लागू है। कोई एक चूस शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाल सकता है, और जो एक शब्द चूंग अपने जवान से निकाला सरकार के खिलाफ, उस पर तुरंत तोतों की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए आज की आवश्यकता है कि भाजपा मुक्त यह देश बने, देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हो, और विपक्षी एकता की जो बैठक 23 तारीख को यहाँ होने वाली है, एक उसमें अहम भूमिका निभाएगा, यह हम आप लोगों को बताएं। तो क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, कैसे कटाक्ष किया है बीजेपी पर, आपने सुना है, तोते कार्रवाई करने लगते हैं। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, पूरी घोषणा कर दी गई है कौन कौन से नेता आ रहे हैं, लेकिन केसीआर का नाम नहीं लिया है। आपने सुना होगा के चंद्रशेखर राव क्या इस विपक्षी एकजुटता की मुहिम में साथ नहीं है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी नाम इस विपक्षी एकजुटता की बैठक में नहीं है, लेकिन काफ़ी दलों के जो नेता हैं वो पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पटना रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, इसके अलावा तमाम जितने नेताओं के नाम उन्होंने गिनवाए हैं, आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, नेतृत्व कौन करेगा, ये सवाल भी बरकरार है। खैर, मीटिंग 23 जून को होनी है, ये बात तय हो चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।